आपको एक गुड न्यूज़ सुनाता चलूँ। तेजगांव बहाउद्दीन तकरीर 1000 एक्सप्रेस बहाल हो रही है 1 नवंबर से। ये उसका लेटर है, नोटिफिकेशन लेटर। ये तीनों ट्रेनें 1 नवंबर से बहाल हो रही हैं और 20 अक्टूबर से अलामा इकबाल और मिल्लत एक्सप्रेस भी चलना स्टार्ट हो जाएगी। अलामा इकबाल जो कि सियालकोट से लाहौर बरास्ता आनेवाल से कराची तक जाती है, और मिल्लत एक्सप्रेस कराची फैसलाबाद से होते हुए लाला मोसा तक जाती है। ये दो ट्रेनें 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं। बाकी तीन ट्रेनें जो हैं तेजगांव बहाउद्दीन तकरीर और 1000 एक्सप्रेस वो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही हैं। तेजगांव रावलपिंडी लाहौर से होते हुए मुल्तान से होते हुए कराची जाती है, और बहाउद्दीन तकरीर कराची सिटी से मुल्तान तक चलती है, और 1000 एक्सप्रेस कराची सिटी से फैसलाबाद और वहाँ से हवेली की तरफ जाती है। ये तीनों स्टार्ट हो रही हैं 1 नवंबर से। उम्मीद है इनका भी टाइम टेबल और वक्त की रवानगी और आमद टाइम पर होगी, ज़्यादा लेट नहीं होगी। कराची एक्सप्रेस की बात की जाए जो कि इस वक्त लाहौर से रवाना हो रही है, वही पुरानी वाली कंडीशन है, कुछ नए कुछ पुराने कोचेज हैं, फेयर बढ़ा दिए गए सब ट्रेनों के। तकरीबन पहले लाहौर से 5:30 बजे रवाना होती थी, अब चेंज करके 4:30 कर दिया गया। कराची से भी इसकी ये टाइमिंग है। कोचेस की बात की जाए, इसके कुछ पुराने कुछ नए हैं, मिक्सअप हुए हैं सब ट्रेनों के तकरीबन, और नए कोचेस जो कि चाइना से आ रहे हैं, उम्मीद है कि जल्द आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी बटन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें।